जहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक ऑटो में रेस्टोरेंट। जी हाँ, इलेक्ट्रिक ऑटो में रेस्टोरेंट, और आप मेरे पीछे वो रेस्टोरेंट देख सकते हैं। ई कार्ट में पानी का टैप भी है, और गाइस नीचे सिंक भी है यार। और आप सोच रहे होंगे कि ये पानी आता कहाँ से होगा, तो ये पानी की टैंकी इस कार्ट के ऊपर है गाइस। जब मैम कोविड में जो है मेरे 5 रेस्टोरेंट थे जो हमें कोविड की वजह से बंद करना पड़ा, काफी उसमें जो है फेस करना पड़ा लोगों। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आई लव जम्मू लिखा हुआ है, मतलब एक पूरे जम्मू का कॉम्बिनेशन इसे एक इलेक्ट्रिक ऑटो वाले रेस्टोरेंट में आपको मिल रहा है। ये कार्ट में देखो, ये गैस का सारा सिस्टम यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर सेफली यहाँ पे गैस का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। जम्मू में आपने इलेक्ट्रिक ऑटो में सफ़र तो ज़रूर ही किया होगा, और जगह जगह रेस्टोरेंट्स में जाके मोमोज भी ज़रूर ट्राई किए होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आ गई हूँ जहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक ऑटो में रेस्टोरेंट। जी हाँ, इलेक्ट्रिक ऑटो में रेस्टोरेंट, और आप मेरे पीछे वो रेस्टोरेंट देख सकते हैं। और मतलब इस ऑटो का नाम है जम्मू फ्यूजन, और इस ऑटो में आपको बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलेंगी गाइस। तो आइए चलिए देखते हैं इस ऑटो में हमें क्या क्या मिलेगा, और मतलब भैया से ये भी पूछेंगे कि ये इतना यूनिक आइडिया भैया के माइंड में आया कहाँ से। वैसे सबसे पहले मैं आपको पूरा ऑटो दिखा दूँ, मतलब जहाँ ऑटो ड्राइवर बैठने की जगह होती है ना, फिलहाल तो इन्होंने देखो मतलब इस इलेक्ट्रिक ऑटो का कितना अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है कि यहाँ बैठने की जगह पर इन्होंने मोमोज रखे हुए हैं, नीचे इन्होंने पानी की बॉटल्स रखी हैं। और वैसे ही आप पीछे देख सकते हैं तो इन्होंने पूरा एक किचन का सेटअप करा हुआ है, मतलब इनबिल्ट किचन सेटअप बिल्कुल। यहाँ पे इन्होंने गैस का पूरा अंदर सिस्टम किया हुआ है, इधर ही मोमोज बन रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ये पूरे सब्जियाँ वब्जियाँ रखने का बिल्कुल इनबिल्ट पूरा किचन बनाया हुआ है, और आप देख सकते हैं चटनी, मतलब सब कुछ यहाँ पे एक ही इस ऑटो में आपको मिल जाएगा। और एक और मतलब इतनी स्पेशल बात है ना, आजकल हम जगह जगह जम्मू में थोड़ा आगे आगे जाते हैं तो हर रेस्टोरेंट हर जगह के बाद हमें एक आई लव जम्मू लिखा हुआ मिलता है, तो इस ऑटो में हमें वो भी दिखेगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आई लव जम्मू लिखा हुआ है, मतलब एक पूरे जम्मू का कॉम्बिनेशन इसे एक इलेक्ट्रिक ऑटो वाले रेस्टोरेंट में आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए गाइस। वैसे हम जो करने आए हैं वो करते हैं, इनके पास देखते हैं कि खाने में क्या क्या मिलता है। लाइक इतना प्यारा सा इन्होंने किचन बनाया है, तो अच्छे अच्छे आइटम्स खाने के इन्होंने फॉर श्योर रखे होंगे। तो खाने में इनके पास क्या क्या है आइए भैया से पूछते हैं, और ये कि आइडिया कहाँ से आया सबसे इम्पोर्टेंट ये तो ज़रूर पूछूंगी। आ जाइए। तो अभी हमारे साथ हैं ये ई कार्ट, जो मतलब इतना प्यारा सा इन्होंने ई कार्ट में रेस्टोरेंट बनाया, उसके ओनर है हमारे साथ। तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। हेलो सर। हेलो मैम। सर क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम शत्रुघ्न पाठक है, मैं बेसिकली यूपी गोरखपुर से हूँ। ओके, आप यूपी से हैं। हाँ, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पे, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरा जो प्रेजेंटेशन छोटा सा है, रेस्टोरेंट चलता फिरता, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे आपसे सबसे पहले आपसे एक ये बात पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने ई कार्ट, ये इसमें आपने इतना प्यारा सा रेस्टोरेंट बनाया, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में मतलब कहाँ आया, कैसे आया? लाइक जम्मू के बाहर तो हमें काफ़ी देखने को मिलता है, तो लाइक जम्मू में मेरा भी टूर लगता रहता है जम्मू के बाहर भी। मैं एक्चुअली डोमिनोज का भी एम्प्लॉई हूँ, तो इधर उधर जाता भी रहता हूँ। मैम कोविड में जो है मेरे 5 रेस्टोरेंट थे जो हमें कोविड की वजह से बंद करना पड़ा, काफ़ी उसमें जो है फेस करना पड़ा लोगों को। बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हुए हैं, जिसमें मेरा भी रेस्टोरेंट सारा बंद हुआ, और फिर मैंने जो है छोटा सा एक कार्ड जो है शुरू किया। हमने 3 यूनिट अभी लाए हैं जम्मू में, 3 यूनिट है हमारे, एक अपना बहू प्लाजा लग रहा है, एक बेमॉल है, और एक कभी ग्रेटर क्लास चौक पर सोच रहे हैं लगाने के लिए। अभी तो जो है हार्डली 10 डेज हुआ सारा जो है यूनिट आए हुए। ओके, तो जैसे इसमें हम इनबिल्ट किचन, आपने पूरा प्रॉपर गैस वगैरह सब कुछ इसी के अंदर, तो उसमें आपको लाइक थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आया? लाइक बिल्कुल सेफ है बिल्कुल? ये सारा जो है सेफ करके टेस्टिंग करके फिर जो है हम ग्राउंड पे उतारे हैं। आने के बाद 10 दिन हमने इस पे टेस्टिंग किया है सारा सब कुछ जो है, और ये जितने भी इसमें हाइजीनिंग को, फायर को, सेफ्टी को, हर एक चीज़ देखते हुए इसमें काम किया गया हुआ। 100 लीटर का पानी का वो है, फायर सेफ्टी का केस भी है, और सारे हर एक चीज़ इसमें जो है हमने कोई भी सेफ्टी वाली चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है कि जिससे बंदा सेफ हो। हाइजीनिंग का है, ठीक है, प्रिपेयर्ड फूड है, 2-3 आवर्स हमने जो है इंस्टॉल करने होते हैं। तो ये आपका ये मूविंग कार्ट है या फिर ये जैसे ये यहाँ पे है तो ये यहीं पे मिलेगा? एक्चुअली यहाँ पे ही मिलेगा, हमने जो है तो कार्ट पे, लेकिन मूविंग नहीं करेंगे, एक जगह ही मिलेगा, जिसे कस्टमर को एक माइंड में होता है कि जो है हम वहाँ पे जाएं और पता चले हम कार्ड कहीं और लेके चले गए हैं, तो फिर थोड़ा सा प्यार कम हो जाएगा
हाँ, लेकिन वैसे बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे भी लगा। लाइक जैसे जम्मू में ई रिक्शा जब हुए थे ना लॉन्च, तो लोगों ने जल्दी जल्दी ई रिक्शा लेने शुरू कर दिए थे कि हम जम्मू के जो जनता है ना उनको और कम रेट्स पे इधर से उधर पहुंचाएंगे। बट आपने काफ़ी अच्छा लाइक ये ई रिक्शा का, ई कार्ट का जो है वो यूज़ करा है। तो वैसे आपके यहाँ पे खाने में मतलब लाइक क्या क्या मिल जाता है? कुरकुरे मोमो हैं और स्प्रिंग रोल्स हैं, चीज़ रोल हैं, मंचूरियन फ्राइड राइस है, ठीक है, थुपका है जो जम्मू में अभी कहीं नहीं मिलता है फिलहाल, आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे वहाँ पे मिलता है। मोमोज के 2-3 वैरायटी हैं, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में जो है लंच का है इसी रिक्शा पे, लंच का जो है राजमा राइस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मतलब आपको एक कार्ट पे लंच भी मिल जाएगा और शाम को आपको स्नैक्स भी, फास्ट फूड भी सर्व होएगा। चलिए देखते हैं कि इस कार्ट पे क्या क्या मिलता है और यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई भी करते हैं कि टेस्ट कैसे है। आ जाइए। वैसे भैया आपको यहाँ पे लाइक जैसे ये एक कार्ट में आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबली आप कुकिंग कर लेते हैं यहाँ पे, आपको कोई मुश्किल तो नहीं आती? नहीं आते हैं। लाइक कंफर्टेबली आप यहाँ कुकिंग कर लेते हैं, और वैसे कस्टमर्स का कैसा रिस्पांस है? अभी तो थोड़ा बोर्ड है ऐसे। लाइक लोग पसंद कर रहे हैं आपका ये ई कार्ट? हाँ, कर रहे हैं ना थोड़ा। और यहाँ पे आपका लाइक सबसे बेस्ट सेलिंग कौन सी है, लाइक सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिकती है? हम लोग का मोमोज है ज्यादा। मोमोज, तो फिर एक प्लेट मोमोज हमारे लिए भी लगा दो। ठीक है। वैसे भैया जब तक हमारे लिए मोमोज लगा रहे हैं, मैं तब तक आपको दिखा देती हूँ कि ये कार्ट में देखो ये गैस का सारा सिस्टम यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर सेफली यहाँ पे गैस का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब इस ई कार्ट में पानी का टैप भी है और गाइस नीचे सिंक भी है यार। और आप सोच रहे होंगे कि ये पानी आता कहाँ से होगा, तो ये पानी की टैंकी इस कार्ट के ऊपर है गाइस। जम्मू फ्यूजन, ये जम्मू फ्यूजन ही नहीं है, इसके अंदर पानी है। तो ये बहुत ही लाइक बहुत यूनिक आइडिया है सर का, सीरियसली बहुत लाइक जम्मू, मतलब अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जम्मू भी जो है वो दिन ब दिन कैसे ग्रो कर रहा है। लोग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो हमारे जम्मू में लेके आ रहे हैं। आप सोचे होगा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि भैया मतलब सर ने एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है इस कार्ड का, तो ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन देख सकते हैं कैसे है। यहाँ पे एक स्टैंडिंग टेबल भी बनाया हुआ है, मतलब आप यहाँ खड़े होके अपना जो है मील इंजॉय कर सकते हो। तो अब हमारे कुरकुरे मोमोज भी आ गए, अब हम वो इंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हैं। तो ये कुरकुरे मोमोज बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, एज भैया ने फ्रायर रखा हुआ है। चटनी मेयोनीज भी देते हैं। वाकई एक तो मुझे आ गई भूख लगी थी, ऊपर से मोमोज मिल जाए तो और क्या चाहिए यार। मतलब सीरियसली बहुत अच्छे हैं, चटनी बहुत अच्छी है। देखो मोमोज खाने हो ना तो लोगों का ज़्यादा क्या होता है कि यार चटनी अच्छी होनी चाहिए, मोमोज का अपने आप मज़ा आ जाएगा। बट ये सीरियसली ये चटनी बहुत अच्छी है, ना ज़्यादा स्पाइसी है और ना ही वो है। मैं एक और बाइट लेने लगी हूँ, ठीक है, बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है। और एक और आपको चीज़ बता दूँ, जब भी आप यहाँ पर खा लो ना तो ऐसा नहीं आप सोचे होंगे रेस्टोरेंट्स में हमारे पास वो सब जगह डस्टबिन होते हैं, यहाँ पे भी आपको डस्टबिन दिख जाएगा। जब आप खा लो तो आप अपना सारा वेस्ट इसके अंदर फेंकिए, बिल्कुल रोड को गंदा मत कीजिए और आप यहाँ पे ज़रूर आइए। अगर लोकेशन की बात की जाए तो मैं आपको लोकेशन बता दूँ, बाहू प्लाजा विशाल मेगा मार्ट के अपोजिट लेन में आपको ये भैया का ई कार्ट रेस्टोरेंट दिख जाएगा जम्मू फ्यूजन के नाम से, और हाईली रिकमेंडेड है। आप प्लीज़ आइए यहाँ पे, इंजॉय कीजिए। कुरकुरे मोमोज तो यम है, सीरियसली बहुत टेस्टी है, मैं ये इंजॉय करती हूँ और आप भी आइए और इसको इंजॉय कीजिए। थैंक यू।